हेलो एवरीवन, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल एमजी एंटरटेनमेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईएमएस के अक्टूबर सेशन में पेपर देने वाले बच्चों के बारे में, जो बच्चे 10th या 12th क्लास में एडमिशन लिए थे और अभी एनआईएमएस के अक्टूबर 2022 में फाइनली अपने एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हैं। आप लोगों को पता है दोस्तों, आपके एग्जाम जो है वो लगभग शुरू होने ही वाले हैं, हो ही गए हैं आप ये कह सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनआईएमएस अक्टूबर एग्जाम 2022 के बिग अपडेट्स जो है वो ये है कि क्या पढ़ें, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहली चीज ये है कि इस वीडियो में मैं आपको वो अपडेट्स बताऊंगा, वो चीजें बताऊंगा जिससे आप इजीली पढ़कर आसानी से पास हो सकते हो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला एंग्जाइटी जो बच्चे के अंदर आती है वो आती है कि क्या पढ़े, व्हाट टू स्टडी। और ये क्यों आता है, ये इसीलिए आता है क्योंकि एनआईएमएस बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसमें स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, वो भी किसी के थ्रू, और उनको इस बारे में गाइडेंस नहीं दी जाती कि पढ़ना क्या चाहिए। तो मेजर क्वेश्चन यही आता है कि पढ़े क्या। एनआईएमएस बोर्ड काफी हद तक इस बात को नहीं मानता कि वो बच्चों को किताबें टाइम पर नहीं दे पाता, और एनआईएमएस बोर्ड के स्टूडेंट जो होते हैं वो इस बात का शिकार होते हैं कि उनके पास कभी भी बुक्स नहीं पहुंच पाती। तो न जाने आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है आपके पास भी बुक्स ना पहुंची हो या फिर आपके पास वो प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं है जो आपको इजीली पास करवा सकता है, और इसका खामियाजा सिर्फ स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है कि उसकी साल खराब हो जाती है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन भी बताऊंगा जिसे अगर आपने बात को मान लिया तो आप बहुत आसानी से पास भी हो जाएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं है लेकिन स्किपेबल नहीं है, इसको स्किप मत करना। हो सकता है कोई पॉइंट आप मिस कर जाओ और उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आपके साथ हो, तो मैं नहीं चाहता। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और स्टेप बाय स्टेप समझिए कौन से ऐसे अपडेट्स हैं जो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं, और अगर उन स्टेप्स को आपने फॉलो किया तो बहुत ही आसानी से यानी कि चुटकियों से आप पास हो सकते हो। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 1 की। आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है लर्न एनी 10 चैप्टर्स हैविंग मैक्सिमम वेटेज। अच्छा, आप बताइए क्या आपको पता है कि आपके सिलेबस में कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं, यानी कि अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप ले लीजिए अपना, आप बताइए कि उसमें कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज सबसे ज्यादा है, यानी कि पिछले 11 साल से लेकर अभी तक जो भी रिकॉर्ड हम देखे हैं उसके क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो क्वेश्चन पेपर में मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चंस उसी पर्टिकुलर चैप्टर में से आते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी लग जाती है तो आप बहुत आसानी से पास हो सकते हैं, एक तरीका तो ये है आपके पास। इसमें क्या है, आप क्या करेंगे, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके पास मैथ्स है, तो आपके पास 10th क्लास की मैथ्स है। अब यहां पर आपको क्या करना चाहिए और क्या आप कर सकते हैं जो आपके हाथ में है, आप यहां पर नोटिस कर सकते हैं कि मैथ के कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हर बार उनमें से क्वेश्चंस आपको अपने क्वेश्चन पेपर में 100% देखने को मिलते हैं। एग्जांपल, अगर मैं 10th की मैथ्स की बात करूं तो आपको पता है एक है पाइथागोरस थ्योरम, ये लिख लो आपकी आपके पेपर में इस बार आने ही वाली है और आएगी ही आएगी। वहीं पे दूसरी बार अगर हम बात करें तो अगर मान लीजिए हम लेते हैं साइंस की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, अगर साइंस एंड टेक की बात करता हूं मैं, तो यहां पर मैं देख पाता हूं कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर बार पेपर में आता ही आता है, और ये दोनों केस के अंदर मैथ में और साइंस में आपके 5 मार्क्स तो बिल्कुल रेडी है, आपको बिल्कुल मिल जाते हैं। अब ये कौन सा है, इसमें आपको पता होगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, ये जो मिरर के ऊपर आता है ना, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा पढ़ के चले जाएं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बीच में डिफरेंस क्या होता है या इनका इनकी डेफिनेशंस आ जाती हैं, तो कुछ ऐसे चैप्टर्स आपको पता होंगे जिनके कुछ एक लाजमी टॉपिक्स होते हैं, हर बार बोर्ड आपसे एग्जाम के अंदर इनको पूछता है। अगर आपको इस बारे में पता है तो आपको एक ही काम करना है, लर्न एनी 10 चैप्टर्स हैविंग मैक्सिमम वेटेज, जिनके ज्यादा से ज्यादा वेटेज होता है, ऐसे चैप्टर्स को आप याद कर लीजिए। 12th क्लास की अगर बात करूं तो 12th क्लास में मैं आपको बताना चाहूंगा, 12th क्लास में इंग्लिश के अंदर आपको पता है रिपोर्ट आता है, आर्टिकल आती है, लेटर आता है, राइट, अनसीन पैसेज आएगा ही आएगा, रिपोर्ट आएगी, लेटर आएगा ही आएगा। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं हर एक सब्जेक्ट के जो आपको पता है कि इसमें से कुछ आता ही आता है। सोचो, अपने माइंड में प्रेशर डालो, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में हैं, आपके सब्जेक्ट्स में वो आते ही आते हैं, और वो आप अगर पढ़ के चले जाएं तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। आई होप कि आपको पॉइंट नंबर 1 बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं पॉइंट नंबर 2। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, स्टडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैपेंड बिफोर 2018। जी हां, जो 2018 से पहले के क्वेश्चन पेपर्स हैं
यानी कि अगर आप 2011 से लेकर 2018 के बीच के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं अगर उसको बड़े ध्यान से देखें तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो कौन कौन से चैप्टर से आ रहे हैं। अगर इसके बारे में आपको पता चल जाए जो कि ब्लूप्रिंट शायद आपको बहुत इजीली बता सकता है कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का आता है, तो अगर आप ये स्ट्रेटेजी प्ले करते हैं तो बहुत ही आसानी से आपको लमसम ये पता चल सकता है कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए। सिर्फ उनके नोट्स बना लीजिए और उनको पढ़ के चले जाइए, मैं गारंटी देता हूं कि आप बहुत इजीली पास हो जाएंगे। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर थ्री की। पॉइंट नंबर थ्री क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझिए। लिखा है सेम चैप्टर्स, देखिए क्या लिखा हुआ है, सेम चैप्टर्स एंड सेम टॉपिक्स फ्रॉम लर्नर्स गाइड। ये मैं आप लोगों के लिए क्यों लेकर आया हूं ये मैसेजेस, ये जो अपडेट्स है ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये एक्सपर्ट से बात होने के बाद ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप इजीली पास होना चाहते हैं तो इन बातों को मान लीजिए। अगर आपने पीसीपी की क्लासेस अटेंड नहीं की थी या आपको नहीं पता ये क्लासेस क्या होती है, या हो सकता है कि आपके एरिया में या आपकी लोकेलिटी में आपकी सिटी के अंदर पीसीपी की क्लासेस के लिए आपको इन्वाइट नहीं किया गया था या किया गया हो आपका फोन स्विच ऑफ हो, तो मैं आपको बता दूं कि सभी स्टूडेंट्स की इस बार प्रिपरेशन जो है इसी मेथड से करवाई गई है और जो बच्चे इस मेथड को फॉलो करे हैं वो बड़े आसानी से पास हो सकते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि एनएमएस बोर्ड इस बार अपने रिजल्ट को 70 प्लस लाना चाहता है, 70 प्लस परसेंटेज में रिजल्ट एनएमएस बोर्ड का इस बार जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आप लोगों के लिए तो बहुत खुशखबरी वाली बात है कि आप लोगों को हेल्प मिल रही है पास होने के लिए, तो इन पॉइंट्स को समझिए और अभी इसको लागू कर दीजिए अपने ऊपर, और पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसलिए प्लीज पढ़िए, साल खराब नहीं होना चाहिए, ध्यान से समझिए। सेम चैप्टर्स किसके किसके सेम चैप्टर्स, कोई भी 10 चैप्टर्स जो कि मैक्सिमम वेटेज वाले हो, सेम चैप्टर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि 2018 से पहले के थे वो देखिए, क्वेश्चंस कौन कौन से चैप्टर्स में से आए हुए हैं मैं ये बता दूं, लिमिटेड चैप्टर्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ये टेंशन मत लेना सर इतना बड़ा सिलेबस है मैं कैसे पता करूं, नो, दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज, सिर्फ लिमिटेड चैप्टर्स होते हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, उन्हीं चैप्टर को सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को आपको क्या करना है, आपको लर्नर गाइड में से जाकर पढ़ लेना है। लर्नर गाइड आपको कहां मिलेगी, एनएमएस की वेबसाइट पे स्टडी मटेरियल में जब आप जाएंगे तो वहां पे हर एक सब्जेक्ट के सामने उसकी लर्नर गाइड है, आप वहां से पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई खर्चा अभी तक मैंने आपको खर्चे की कोई बात नहीं बताई है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देने आया हूं। अच्छा दोस्तों, आप ब्रूस ली का नाम तो जानते ही होंगे ना, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि मैं उस व्यक्ति से उस फाइटर से नहीं डरता जिसने कई सालों कई सारी एक्सरसाइजेस की हो किक्स चलाने की, यानी कि तरह तरह की किक्स उसने सीखी हो कई सालों तक, लेकिन मैं उससे बहुत डरता हूं जिसने कई सालों तक सिर्फ एक ही किक की प्रैक्टिस की हो। पता है उन्होंने ऐसा क्यों बोला था, क्योंकि उसने एक किक की प्रैक्टिस की है सिर्फ, तो वो उसमें इतना ज्यादा एक्सपर्ट है, इतना ज्यादा उसने प्रैक्टिस किया है कि अगर उसके रडार में कोई आया तो वो नॉकआउट जाएगा, समझ रहे बात को। इसीलिए वही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप चाहो तो इस एग्जाम को नॉकआउट कर सकते हो, और अभी फैसला लो, अभी सब कुछ आपके हाथ में है, बस मैंने आपको बोला क्या करना है, आपको जो भी आपने पढ़ लिया है अब तक सिर्फ उसी को ही आप रिपीट करते रहिए बस। अब क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर मैं इतनी अच्छी तैयारी करके गई थी या गया था लेकिन एग्जाम के अंदर तो मैं कुछ मेरे को मिला ही नहीं, मेरे को तो ऐसा लगा जैसे कुछ मेरे को आता ही नहीं। ये पता क्यों होता है, ये तब होता है जब आप किसी भी एक पुरानी किताब से पढ़ लेते हो, कोई बाजार से किताब खरीद ली पुरानी और उसी में से ही आपने पढ़ लिया और आपने सोचा मैंने तो तैयारी कर ली, और जब आप पेपर में जाते हो तो वहां पे आपको कुछ नया मिल जाता है। और इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि ऐसी दुर्घटना आपके साथ ना घट जाए, ध्यान से सुनिए। आपको क्या करना है, एक ही चीज की रिपीट प्रैक्टिस करनी है, 10 चैप्टर्स देखिए मैक्सिमम वेटेज वाले, पीछे पड़ जाओ इसके, क्या करोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखो 2018 से पहले के, और जरा चेक करो कि इसके अंदर कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं बच्चों से, बस आपको उनको ही स्टडी सही से करके जाना है, राइट। सेम चैप्टर्स को क्या करो, सेम इन्हीं चैप्टर्स को, इन 10 चैप्टर्स को क्वेश्चंस इसमें देखो, प्रीवियस ईयर के 2018 के जो क्वेश्चन पेपर था उससे पहले के उसमें देखो, सेम उन्हीं क्वेश्चंस को उन्हीं चैप्टर्स को आप क्या करोगे, लर्नर गाइड में से भी पढ़ के चले जाओ। सच बता रहा हूं, पेपर पूरा आपके रडार में ही आएगा, मैं पक्का बता रहा हूं, और आते ही आप उसे नॉकआउट कर दोगे कोई सभी सब्जेक्टों में, सच बता रहा हूं। ये स्ट्रेटेजी अगर आपने फॉलो करी, ये आप YouTube पे सर्च कर लो, आपको कोई इतनी गहराई से ये बात बता ही नहीं पाएगा, ये पेपर्स कैसे बनते हैं, ये चीजें कैसे पता चल जाती हैं, ये वही लोग बता सकते हैं जो वास्तव में टीचर हैं और जिन्होंने 16-17 साल अपनी जिंदगी के दिए हों बच्चों को पढ़ाने में, ये दिमाग लगाने में कि कौन से पैटर्न से क्वेश्चन पेपर बनता है, क्या माइंड सेट के साथ ये पेपर तैयार किए जाते हैं। तो इसीलिए बात को समझने की कोशिश आप बिल्कुल करिए,
सेम चैप्टर सेम टॉपिक्स लर्नर गाइड में जाके आप पढ़ लीजिए, ये आप कर लेंगे आप एग्जाम को नॉकआउट कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा आपसे एनआईवीएस के रिटायर्ड टीचर्स द्वारा प्रिपेयर किए गए पीडीएफ्स को, जिनको पूरे हिंदुस्तान के काफी स्टूडेंट्स ने हमसे लिया है। इवन की आज भी पूरी टीम हमारे एक्सपर्ट्स जो थे वो तैयार थे बच्चों को पीडीएफ्स देने में, और काफी बच्चों ने पीडीएफ्स लिए हैं, हेल्प ली है, और वो पास होंगे गारंटीड। ये बात पत्थर की लकीर है, और ये सेंटेंस जो मैं बोल रहा हूँ ये सोने का सेंटेंस है। अब ये कईयों को ये सवाल होते हैं ये रिटायर्ड टीचर्स कौन है एनआईवीएस के, भैया इसके पीछे मत पड़ जाओ कि ये टीचर्स कौन है, सिर्फ ये फोकस करो कि जो दिया जा रहा है ना उसको पढ़ो। यार कोई ऐसी चीज दी जा रही हो ना जिसे आपको पढ़ना नहीं है, बस आप ले लो और आप पास हो जाओगे, तो मैं मानूं कि आपकी बात सही है। अरे पढ़ना तो इसको भी है, ये भी तो पढ़ने का ही है और आपके सिलेबस में से है, तो सोच के देखिए गलत कैसे हो सकता है। ये वही तो चीजें हैं जो आपको पढ़नी है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि ऊपर के जो ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे इसको ढूंढने ढूंढने में कई बच्चे जो है आलस कर जाते हैं, वो लेजीनेस दिखाते हैं कि कौन ढूंढेगा यार पढ़ लेते हैं। यहां पर आपको रेडीमेड मिल जाता है, आपको 10 चैप्टर्स वो मिल जाते हैं जिसमें से मैक्सिमम वेटेज के क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, आपको पिछले साल 2018 से पहले के क्वेश्चन पेपर ढूंढने नहीं पड़ते, इसके अंदर आपको वो सब मिल जाता है। सेम चैप्टर जो है लर्नर्स गाइड में जो भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं जिससे रिलेटेड आपका जो चैप्टर बनता है उसके सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इसी पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाते हैं। भैया तभी तो कहा गया था एनआईवीएस के रिटायर्ड टीचर्स द्वारा प्रिपेयर किए गए मेड इट इजी पीडीएफ्स को ले लीजिए। इसका नाम क्यों रखा हुआ है मेड इट इजी, इसीलिए तो रखा है, सुप्रीम है। सुप्रीम कौन होता है, सुप्रीम वो होता है जो सबसे ऊपर होता है। आप देख सकते हो ये जितने भी टॉपिक्स हैं सारे इसके अंदर ही आते हैं, और सबसे लास्ट में ये टॉपिक मैंने इसलिए रखा था ताकि आपको ये ऊपर के पॉइंट समझ में आए। मैं जिद नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कह रहा हूं आप इसे कर लो, इसे फॉलो कर लो, कर सकते हो तो। लेकिन अगर आपको लगता है टाइम नहीं है, आपको लगता है मेरी बातों में सच्चाई है, आपको लगता है मैं भी एक पढ़ाई की ही बात कर रहा हूं, तो आप इसे लेकर पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से, हंसते हंसते कट जाएंगे रस्ते और आप पास हो जाओगे, सारे एग्जाम्स को नॉकआउट करके जाओगे आप। तो दोस्तों मैं यहां पर आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आप पढ़ने के लिए पीडीएफ ढूंढ रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एनआईवीएस के रिटायर्ड टीचर्स मेरी डीजी पीडीएफ जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 10th और 12th क्लास के इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम सभी मीडियम के अंदर अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन या क्वेरी करनी है या आपको किसी चीज में समस्या है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, उस पर आप मैसेज टाइप कर सकते हैं। कॉल ना कीजिएगा, सिर्फ आप मैसेज टाइप कीजिए, हमारी टीम आपसे बात करेगी और हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। अब यहां पर हम बात करते हैं मस्ट वॉच माई नेक्स्ट वीडियो ऑन डूज एंड डोंट्स। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि आपके एग्जाम्स होने से पहले मैं आपको एक वीडियो रिलीज करके दूंगा जिसमें बताऊंगा कि आपको अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने से पहले कुछ डूज यानी कि जो करना ही करना है अपने एग्जाम के अंदर, कुछ डोंट्स हैं जिनको भूल के भी आपको दोहराना नहीं है, और वो वीडियो मेरी इस वीडियो के बाद यानी कि मेरी नेक्स्ट वीडियो वही आने वाली है। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर हमारे चैनल पे बार बार आते रहते हैं लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और उन स्टूडेंट्स पर भी पहुंचा दीजिए, उन ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए जिन बच्चों को अभी तक नहीं मालूम कि पढ़ना क्या है या वो इधर उधर भटक रहे हैं, उनको नहीं मालूम है, नहीं जानकारी है कि उन्हें पढ़ना क्या चाहिए। इस टाइम हो सकता है किसी की आपकी बदौलत कोई एक व्यक्ति और पास हो जाए कि एक बच्चा और पास हो जाए, राइट। साथ ही यहां पर बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना क्योंकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है वो आपके मोबाइल फोन तक मैं पहुंचा सकूं। इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं, घंटी के निशान को जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आपके मोबाइल फोन पे पहुंच जाए। वीडियो आने के बाद मिलेगी आपके मोबाइल फोन पे तभी जब आप घंटी के निशान को प्रेस कर देंगे। काफी ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब तो किया हुआ है लेकिन उन्होंने वो बेल को प्रेस नहीं किया जिसकी वजह से वीडियो उनके पास टाइम पे पहुंच ही नहीं पाती, और जो वीडियो में मैं बताता हूं सेम 3 दिन बाद वही व्यक्ति मेरे को क्वेश्चन करके पूछता है कि सर आपने इस पर कोई वीडियो ही नहीं बनाई हुई, तो मैं बताता हूं कि भैया प्लेलिस्ट में जाके देख लो वीडियो पड़ी हुई है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने ऑलमोस्ट आपको ये पॉइंट्स जो बताए हैं अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हैं यकीनन आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अनफॉरगेटेबल पॉइंट्स हैं ये जिनको आपको कभी नहीं भूलना है, आप इस तरह से पढ़िए और बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।